नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जेपी मॉर्गन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है स्टॉक्स पे। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मैंने आप सभी के साथ एक रिपोर्ट इनकी शेयर करी थी जो पूरी इंडिया के ऊपर आई थी और ये बहुत बुलिश होते हुए दिखे थे। अभी इन्होंने कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करी है, इक्वल वेट से ओवरवेट की रेटिंग दी है। अब कौन से वो स्टॉक्स हैं और कौन से स्टॉक्स में जेपी मॉर्गन खुद अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए दिखे हैं, ये सारी चीजें तो मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा ही करूंगा, लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कुछ बोलना चाहता हूँ। वो ये कि ये सब चीजें आपको एक ही चीज बता रही है कि भारत में निवेश जो कर रहा है ना, वो कम से कम 5 साल का व्यू रखे और 10 साल अगर आप रुक गए ना, ट्रस्ट मी, मतलब मेरे को लगता है अच्छे स्टॉक्स हो गए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करना, हर एक सेक्टर से दो दो शेयर उठाने की कोशिश करना, मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा पैसा बनेगा भारत में, बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको क्लियरली दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं इंडियन इकोनॉमी, दुनिया भर के बड़े बड़े एनालिस्ट भारत पे किस हिसाब से बुलिश हो रहे हैं। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि मार्केट एक अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। बाकी तो सब बाजार है, वॉलिटिलिटी है, सब आपके भी पता है, मुझे भी पता है, जो होता है लगता है ऐसा, लेकिन अच्छा होगा। अब क्या हुआ है रिपोर्ट में, आपको सिंपल सरल भाषा में बताना चाहता हूं मैं, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जेपी मॉर्गन अपग्रेड्स इंडिया टू ओवरवेट, एड्स 3 स्टॉक्स टू ईएम पोर्टफोलियो, इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो। अभी यहां पे मैं आप सभी को बोलूं तो इंडिया को ये पूरा का पूरा अपग्रेड करा, अपग्रेड करके ओवरवेट हुए इंडिया पे। और इन्होंने ये रिसेंटली कहा था इस रिपोर्ट में, जहां पे इन्होंने कहा था कि कोई भी करेक्शन होती है अगर तो यूज्ड एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब करेक्शन हुई, निकल गई हाथ से, लोगों को जब करेक्शन होती है ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डर लगने लगता है, कहते हैं गई मार्केट, तो वही बात है, नहीं ले पाता है आम आदमी। पहले मैं आपको इनकी ये रिपोर्ट बताना चाहता हूँ, फिर स्टॉक्स पे आऊंगा। जेपी मॉर्गन हैज अपग्रेडेड इंडिया इक्विटीज टू ओवरवेट फ्रॉम न्यूट्रल, न्यूट्रल से ओवरवेट का रेटिंग दे दी है, एंड आस्क इन्वेस्टर टू यूज एनी नियर टर्म करेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी टू एड एंड लीवरेज ऑन पोजिशनल हिस्टोरिकल सीजनलिटी टू जनरल इलेक्शन। द ग्लोबल ब्रोकरेज सेड इंडिया ऑफर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट इमर्जिंग मार्केट नॉमिनल जीडीपी कंपाउंडिंग एंड हैज कंपेटिटिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स टू डेवलप्ड मार्केट इक्विटीज। तो मतलब पूरी तरीके से बुलिश है। और कुछ स्टॉक्स में आपको बताऊं तो इन्होंने एड करें, जेपी मॉर्गन सेड इट हैज एडेड सन फार्मा, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर इन इट्स ईएम मॉडल पोर्टफोलियो। तो ईएम मॉडल पोर्टफोलियो में इन्होंने ये 3 स्टॉक्स एड करे हैं। ये तो हो गई आज पहले की रिपोर्ट। अभी जो आज इन्होंने कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करी है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ फार्मा कंपनीज पे इन्होंने कहा है जो भारत में बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है, जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम इंडिया है। ये वीडियो मैंने आप सभी के साथ, आई थिंक मैंने कल यूट्यूब पे तो नहीं बनाई थी बट रील्स में सेम चीज मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि जब ग्लोबल इकोनॉमी दिक्कत में दिखे, आपको ग्लोबली चिंताएं दिखे, परेशानी दिखे, तो आप उन स्टॉक्स पे ट्रस्ट कीजिए, उन स्टॉक्स में निवेश कीजिए जो भारत से ड्रिवन है। हालांकि मैंने फार्मा से एक स्टॉक जो चुना था वो इन्होंने बात नहीं करी है उसके बारे में। मैंने मेनली एफएमसीजी कंपनी हाईलाइट करी थी उस रील में, क्योंकि एफएमसीजी ऐसा सेक्टर है जो पूरा भारत ड्रिवन है। नेस्ले की 90% के करीब की जो सेल है वो भारत से है। एग्जैक्ट लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑलमोस्ट ब्रिटानिया हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी यही है। मैंने जो स्टॉक आपके साथ कल शेयर किया था रील में वो मैनकाइंड फार्मा था, उसकी भी अराउंड 90-95% की सेल भारत से आती है, वो डिपेंड है ही नहीं किसी और कंट्री पे। तो इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है, ये स्टॉक्स तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन्होंने जो कहा उस पर आ जाते हैं। इन्होंने क्या कहा है, फार्मा शेयर्स पे इन्होंने बात करी है, घरेलू बाजार पर फोकस वाली कंपनियों पर कवरेज की शुरुआत करी है इन्होंने, और 4 स्टॉक है, वन ऑफ माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है फार्मा से, एक एल्कम लैब, एबॉट इंडिया, टोरेंट फार्मा, जाइडस लाइफ साइंस। आप लोगों को अगर रेगुलर व्यूअर हो तो डेफिनेटली पता होगा कि हमारा फेवरेट कौन सा है इनमें से, इनमें से मैं बताना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको पता है तो। एबॉट इंडिया, देखिए मैं हमेशा फार्मा से 3 स्टॉक्स को प्रेफर करता हूं, एबॉट, डीवीज, सिप्ला। डीवीज और सिप्ला का बाहर से भी कामकाज होता है इसलिए वो प्रेशर में रह रहे हैं, लेकिन एबॉट का भारतीय कारोबार से पूरा मतलब है और इसलिए वो स्टॉक ऊपर है। हालांकि एबॉट एक एमएनसी कंपनी है। आगे बात की जाए तो इन्होंने क्या कहा है, फार्मा इंडस्ट्री में 10-11% की सालाना ग्रोथ देख रहे हैं ये। ऐसे में एल्कम लैब, जिसका करंट मार्केट प्राइस 3675 है, उस पे इन्होंने टारगेट रखा है 3985 का, लगभग 12% की ग्रोथ देख रहे हैं ये इनका टारगेट है।
बात की जाए नेक्स्ट स्टॉक तो एबॉट इंडिया 15% की तेजी देख रहे हैं, 25,650 का भाव देख रहे हैं, अभी 22,625 पे है। ये स्टॉक मैंने 16,000 पे अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किया था। जिस कंपनी के दम है ना फंडामेंटल्स में, वो तो रुकना ही नहीं है। हालांकि टाइम हो गया डेढ़ साल हो गया करीब करीब, बट ठीक है। टोरेंट फार्मा की बात की जाए तो 1920 का करंट भाव है और 2045 का भाव देख रहे हैं ये, 8% की ग्रोथ संभव बता रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए नेक्स्ट स्टॉक की तो उसमें कुछ ज्यादा खास मूव देख नहीं रहे हैं, तो मैं उसके बारे में क्या डिस्कस करूं। स्टॉक का नाम जरूर बताना चाहूंगा, जाइडस लाइफ, ₹1 ऊपर का टारगेट दे रहे हैं जो करंट मार्केट प्राइस है, तो कोई नहीं बट पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। तो ये जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है जो आज आती हुई दिखे, जो एक बार फिर एज अ निवेशक आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी कि भैया भारत में निवेशित रहो। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।